हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीटी यू एंड हियर आई एम डॉली। सो गाइज, आज मेरे पास में है ये पैक का जो ट्रांसल्यूशन पाउडर है ये, और आज मैं इसी पाउडर का रिव्यू आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ कि ये जो पाउडर है ये कैसा है एंड इसको हमें लेना चाहिए या नहीं, और लेना है तो आपको कौन सा इसका शेड लेना चाहिए, इसकी कवरेज कैसी है आज के इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे, एंड ये वर्थ है या नहीं है ये भी आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। सो गाइज, बिफोर मूविंग इन टू द वीडियो, इफ यू आर न्यू टू माई चैनल एंड माई फेस इज न्यू टू, सो गाइज प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। नीचे एक बेल आइकन का आइकॉन बना हुआ, उसे प्रेस करिए, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए। चलिए बढ़ाते वीडियो को आगे। सो ये है पैक का ट्रांसल्यूशन पाउडर, एंड इसकी काफ़ी अच्छी पैकेजिंग के अंदर ये आया हुआ है। ये ट्रांसल्यूशन पाउडर है जो कि मिनी है, अल्ट्रा मैट है, सेकेंड स्किन फिनिश देता है, बिल्डेबल फॉर्मूला है। आप इसको ज़्यादा भी लगा सकते हैं, एक टोन लगाया या एक कवरेज लिया, दूसरा कवरेज और ज़्यादा आपको चाहिए हो तो, एंड लॉन्ग वियर के लिए मतलब इसका जो कवरेज है वो काफ़ी समय तक आपको मिलेगा, तो ये ऐसा पाउडर का इसका दावा है। सो इसको मैं अभी अनबॉक्स करके आपको बताती हूँ कि जो इसकी पैकेजिंग है वो कैसी है। ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आता है, दिस इज द पैकेजिंग। ये मैंने मिनी पैक का ट्रांसल्यूशन पाउडर बुलवाया है, एंड ये कुछ इस तरीके से है। सो दिस इज द पाउडर। सो ये दो शेड्स में आता है, एक बनाना पाउडर भी आता है और दूसरा व्हाइट भी आता है। तो अगर आपका जो स्किन टोन है वो मीडियम टू फेयर है तो आपको ये वाला लेना है, अगर आपका स्किन टोन जो है वो मीडियम से नीचे की तरफ है, डार्क स्किन टोन है, तो आपको बनाना जो शेड है वो लेना है। ओके, सो अगर आपका फेयर स्किन टोन है तो आपको यही पाउडर आपको लेना है। इसकी कवरेज बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा मैट फिनिश देता है। तो सबसे पहले मैं अपने स्किन पर अच्छे से एक फाउंडेशन अप्लाई करती हूँ। फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद मैं इसे अप्लाई करके आपको बताऊंगी कि ये जो पाउडर है वो मैट फिनिश देता है या नहीं देता है। ट्रांसल्यूशन पाउडर है, सो ये इसको मैं ब्रश की हेल्प से आपको लगा के बताऊंगी। सो ये कुछ इस तरीके से है, एंड ये वाइट है, इसमें बनाना भी आता है। तो वाइट जो रहता है ना वो मेनली जो आता है वो फेयर टू, ये जो वाइट वाला है ये फेयर टू मीडियम टू फेयर स्किन टोन के लिए, और जो बनाना वाला जो आएगा कलर इसमें वो जो आएगा वो डार्क स्किन कलर टोन के लिए आएगा। इसको मैंने बिल्कुल देखिए बिल्कुल जरा सा लिया है, आप देख सकते हैं इधर और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत मैट फिनिश दिख रही है आपको। यहाँ पे देख रहे हैं आप, बिल्कुल मैट, बिल्कुल ज़रा सा लिया था मैंने और बहुत मैट फिनिश दिख रही है। आप देखिए पूरे फेस पे कितनी सुंदर फिनिशिंग दिख रही है, और ये देखिए ये वाला और ये, दोनों में बहुत डिफरेंस है ना। तो बिल्कुल ज़रा सा लिया और फिनिशिंग आप देखिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही मैट फिनिश है, बिल्कुल ज़रा सा लेना। ये मैंने मिनी पैक अभी इसका बुलवाया है, आप चाहें तो इसमें इसका बड़ा पैकेजिंग भी आता है आप वो भी बुलवा सकते हैं, बट अगर आप ट्रायल बेसिस पे बुलवाना चाहें तो मिनी पैक बुलवा सकते हैं। देख सकते हैं आप, अब इसी तरीके से मैं थोड़ा सा लेकर के जो एक्सेस आएगा उसको इसी पे डस्ट आउट करेंगे, एंड फेस है मैंने इसको इस ट्रांसल्यूशेंट पाउडर से जो है वो पूरा अभी अप्लाई किया है, और आप देख सकते हैं बहुत ही मैट फिनिश आ रही है। देखिए आप देख सकते हैं। सो अगर आप बिल्कुल जाना चाहें तो बिल्कुल आपकी जो वैनिटी है उसमें एक छोटा सा पाउडर बिल्कुल ज्यादा स्पेस कवर नहीं करेगा, और बहुत ही अच्छा मतलब ये आपको रिजल्ट्स देगा। सो ये जो पाउडर है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, मैं इससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। सो पाउडर इज़ ऑसम, अगर आप इसे लेना चाहती हैं तो जस्ट ग्रैब इट।
मैं बिल्कुल आपको बोलूंगी कि आप इसको ले सकते हैं क्योंकि बहुत ही अच्छी मैट फिनिश देता है। ठीक है, सो नाउ अब मैं इस पर अपना कंप्लीट मेकअप करके आपको बताती हूँ ये लुक कि लुक कैसा आ रहा है। सो पाउडर इज ऑसम, आप बिल्कुल जा सकते हैं, बहुत ही अच्छा मैट फिनिश दे रहा है, बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है और बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी में आपको लेना है, बहुत ज्यादा नहीं लेना है। मैंने इसे ब्रश से अप्लाई किया है, आप चाहें तो इसे ब्यूटी ब्लेंडर से भी अप्लाई कर सकते हैं। ब्यूटी ब्लेंडर से भी आप अप्लाई करेंगे तो भी बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, बट और अच्छे रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो प्लीज इसको ब्रश से ही आप अप्लाई करें। सो गाइज, ये था मेरा आज का रिव्यू जो था मैक का जो ट्रांसल्यूशेंट पाउडर है उसके ऊपर। सो गाइज, आई होप मेरा रिव्यू आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। सो अगर आपको ये पाउडर लेना है तो मेरा रिव्यू काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा आपको। सो गाइज, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, डोंट गो विदाउट सब्सक्राइबिंग द चैनल, और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और थम्स अप जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी, बी हेल्थी, एंड आज का गिवअवे का कोड है 02। बाय बाय।